पीएम मोदी और जो बाइडेन का वर्चुअल कार्यक्रम तो समाप्त हो गया, वहीं 2+2 वार्ता भी संपन्न हो गई, जिसे लेकर दोनों देश की ओर से आधिकारिक जानकारी दी गई कि पीएम मोदी और जो बाइडेन का वर्चुअल सम्मेलन काफी अच्छा रहा। लेकिन अब पीएम मोदी के साथ वर्चुअल कार्यक्रम के समाप्ति के बाद जो बाइडेन सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि अमेरिका के ही कुछ जानकारों ने यह सवाल खड़ा किया है कि पीएम मोदी के सामने जो बाइडेन घबरा गए और दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के सामने अपनी बातों को खुलकर कह नहीं पाए, क्योंकि रूस को लेकर पीएम मोदी के सामने जो बाइडेन को जो मुद्दे उठाने चाहिए थे उन मुद्दों से ही जो बाइडेन ने दूरी बना ली। और पीएम मोदी के चेहरे की गंभीरता को देखते हुए जो बाइडेन ने मोदी के सामने रूस का कोई खास मुद्दा उठाया ही नहीं, जबकि अमेरिका की ओर से इस वर्चुअल कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा यही था कि पीएम मोदी के सामने खुद जो बाइडेन रूस के मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे। लेकिन जो बाइडेन ऐसा कर पाने में नाकाम रहे, यहाँ तक कि पीएम मोदी ने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया कि रूस के साथ भारत के हितों की समीक्षा भारत के अपने हितों के आधार पे होगी और कोई भी देश यह दबाव नहीं बना सकता कि भारत को किसके साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए और किसके साथ द्विपक्षीय संबंधों से पीछे हटना चाहिए। जबकि वहीं पीएम मोदी के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पर कोई भी ऐसा दबाव नहीं बना पाए कि भारत को भी अमेरिका और नाटो संगठन की खींची गई लाइन पर ही चलना होगा। अब ऐसे में देखा जाए तो पिछले हफ्ते अमेरिका के ही एक थिंक टैंक ने कहा था कि पीएम मोदी के चेहरे की गंभीरता को समझ पाना और पीएम मोदी पर दबाव बना पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अमेरिकी थिंक टैंक की यह बात पीएम मोदी और जो बाइडेन के वर्चुअल बैठक के दौरान सही साबित हो गई।